ब्रॉट टू यू बाय खाता बुक। इनका टुमारो हो ना हो, लेकिन हिसाब टुडे हो सकता है। कैसे भाई? खाता आउट करो, खाता बुक डाउनलोड करो, ये ऑटोमेटिकली हिसाब करे, उधारी वापस लाए फटाफट। भेज दिया उसको हिसाब। खाता बुक, बिजनेस हुआ इसी। नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है और मैं हूँ कुमार अभिषेक। पिछले 24 घंटे के अहम खबरों को समेटे हम हाजिर हैं अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो जान लीजिए क्या है आज उत्तर प्रदेश की खबरों की सुर्खियाँ। बलियाकांड में पार्टी की मिट्टी पलीद कराने वाले बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह, जो कि आरोपी धीरेंद्र सिंह के साथ पूरे वक्त खड़े नजर आए, पार्टी ने उनकी नकेल कस दी है। भदोही के बाहुबली विधायक विजय मिश्रा पर रेप का आरोप लगा है और लड़की ने असली चैट को पुलिस को भी दिया है। साथ साथ बाराबंकी की दलित की वो कहानी जिसमें कुछ दिन पहले एक लड़की के साथ रेप के बाद उसकी नृशंस हत्या की गई थी, लेकिन उस गांव का हाल जान लीजिए जहां उनके शमशान तक को दबंगों ने चूम रखा है। बिहार चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी स्टार कैंपेनर होंगे। 20 तारीख से उनकी सभाएं शुरू होने जा रही हैं। 20 और 21 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ औरंगाबाद, अरवल, गया और पटना जैसे इलाकों में चुनाव को संबोधित करेंगे। पहले चरण में वो औरंगाबाद, कैमूर और रोहतास में होंगे और फिर दूसरे चरण में वो पटना, जहानाबाद ऐसे जिलों में उनकी सभाएं होंगी। पहले से ही योगी आदित्यनाथ की सभाओं की मांग पूरे प्रदेश में रही है और खासकर बीजेपी के अलावा दूसरे दल भी उनकी सभाएं अपने यहां चाहते हैं। फायर ब्रांड नेता के तौर पर योगी आदित्यनाथ की मांग बिहार चुनाव में काफ़ी ज़्यादा है और पहले दो दिन का कार्यक्रम उनका तय हो चुका है। चार दिनों तक पुलिस से आंख मिचौली खेलने वाले बलिया गोलीकांड के मुख्य आरोपी धीरेंद्र सिंह को आज बलिया पुलिस ने जेल भेज दिया। आज बलिया पुलिस ने धीरेंद्र सिंह को बलिया की अदालत में पेश किया था, जहां उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। आज पुलिस ने बाकायदा उसे जेल के हवाले कर दिया, लेकिन फिलहाल उसकी रिमांड नहीं मांगी गई है। बताया ये जा रहा है कि जल्द ही धीरेंद्र सिंह की रिमांड मांगी जाएगी और तब पूरी कहानी की परत खुलेगी। बीती रात को धीरेंद्र सिंह को लखनऊ से बलिया लाया गया, जहां वो कोतवाली में उसे रखा गया था। सुबह उसका मेडिकल कराया गया और उसके बाद अदालत में पेश किया गया। जल्द ही इस गिरफ्तारी के बाद अब उम्मीद है कि इस पूरे कांड से पर्दा उठ जाएगा। चलते हैं अगली। भदोही के निर्दलीय विधायक विजय मिश्रा पर रेप का आरोप लगा है और यह आरोप वाराणसी की रहने वाली एक गायिका, जो कि लोकल फोक सिंगर है, उसने विजय मिश्रा पर लगाया है। उसका आरोप है कि 2014 में चुनाव के दौरान जब वो गाने के लिए एक कार्यक्रम में गई थी, उसी दौरान मंच के बाहर विधायक ने उसके साथ अश्लील हरकत की थी और फिर बाद में उसके साथ बलात्कार भी किया था। वो लगातार इस लड़की का यौन शोषण करते रहे, ऐसा उसने बकायदा अपने FIR में जिक्र किया है। यही नहीं, विधायक के बेटे और रिश्तेदार पर भी आरोप है कि जब वो भदोही से बनारस उसे छोड़ने जा रहे थे तो रास्ते में उन लोगों ने भी उसके साथ रेप किया। इस लड़की ने कहा कि पिछले कई सालों से विधायक उसका शारीरिक शोषण कर रहे थे और FIR के साथ साथ उसने कुछ अपने मोबाइल के की ऐसी तस्वीरें और साथ साथ व्हाट्सएप चैट भी पुलिस को दिया है, जो बेहद ही आपत्तिजनक है। बता दें ये विधायक पहले से ही जेल में बंद है और अब उसके ऊपर गंभीर धाराओं में अब बलात्कार का भी मामला दर्ज हो गया है। चलते हैं अगली खबर। अभी हफ्ते भर पहले ही बाराबंकी में एक दलित नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार का मामला प्रकाश में आया था, जो पूरे देश में सुर्खियों में रहा। हालांकि इस मामले में गिरफ्तारी हो गई, ऋषि सिंह नाम का एक शख्स इसमें गिरफ्तार हुआ, साथ साथ दिनेश गौतम नाम का भी दूसरा शख्स गिरफ्तार हुआ। इन दोनों ने दलित लड़की के साथ बलात्कार और फिर उसकी नृशंस तरीके से हत्या की। लेकिन इस गांव की एक और कहानी है। इस गांव में दलितों की स्थिति बेहद खराब है, भूमिहीन
न तो उनके पास जमीनें हैं और ना ही छत। लेकिन इसी गांव के दबंगों ने अब ऐसा किया है कि जिससे मानवता भी शर्मसार हो जाएगी। उस लड़की को हालांकि खेत में ही उसका दाह संस्कार करना पड़ा। वजह यह थी कि इस गांव के पीछे दलितों का एक दाह संस्कार करने की जगह थी, एक शमशान। लेकिन दबंगों ने उस शमशान को भी जोत लिया था, यानी इस गांव में रहने वाले दलितों के लिए न तो सर छुपाने की ठीक सुविधा है, न उनके पास अपनी ज़मीनें हैं, और यहां तक कि दबंगों ने उनका शमशान तक जोत दिया है। फिलहाल ये गरीब दलित अपनी बात कहें तो किससे कहें, क्योंकि उनकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं। पिछले 24 घंटे के अहम खबरों को समेटे ये था हमारा विशेष न्यूज़ बुलेटिन आज का। फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए।